हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट ब्यूटी। आज मैं आपको सिंपल सी लग रही हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ हाइलाइटर्स। अगर आपके पास हाइलाइटर्स नहीं है तो आप घर पे कैसे हाइलाइटर्स बना सकते हैं। बेसिकली हाइलाइटर्स वो होते हैं जब आप मेकअप अपने फेस पे आप मेकअप करते हैं तो उस टाइम पे आपको हाइलाइटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम यहाँ पर चीक बोन्स पर लगाते हैं और ये हमारा जो फेस होता है वो लाइम लाइट देने लगता है, आपके फेस पर हल्का सा ग्लॉसी लुक आ जाता है। तो ऐसे हाइलाइटर आप मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो वो आपको 1000 रुपये से कम के नहीं मिलेंगे, 1000 के आसपास आते हैं, 600 से उनका रेंज स्टार्ट होता है। मैं आपको बताऊंगी घर पर आप DIY हाइलाइटर्स कैसे बनाते हैं। बहुत इजी है, बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपके पास घर पे है आप उससे बना सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एलोवेरा जेल। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से, आप एलोवेरा जेल ले लीजिए और आप थोड़ा सा ले लीजिए एक बूंद, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पर हाथ में, ये रहा मेरा पतंजलि का एलोवेरा जेल, और मैं इसे हाथ पर लगाऊंगी और मैं इसे हल्का सा ही लगा दूंगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता क्योंकि हम इसे एज अ प्राइमर यूज़ करते हैं, बट मेकअप लगाने के बाद अगर आप इसे फेस पर हल्का सा यूज़ करेंगे लुक एट द ग्लॉस। सो ये अपने आप ही आपके फेस पर एक ग्लॉस देगा और एक ऐसे शाइन देगा, ठीक है। तो आप एलोवेरा जेल को एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल का एक कॉज भी है, वो कॉज ये है कि आप एलोवेरा जेल को ज़्यादा देर तक प्राइमर बनाकर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद उड़ जाता है फेस से, आपके फेस पे ज़्यादा देर परमानेंटली नहीं रहता है, तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो बहुत टाइम तक 8 से 9 घंटे, तो ये 2 से 3 घंटे आपके फेस पर टिका रह सकता है। तो आप जा रहे हैं शादी में 1-2 घंटे के लिए तो आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते, एज अ हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हाईलाइटर हम बता रहे हैं लिप बाम। आपके पास कोई भी नॉन कलर, जिसका कोई कलर नहीं है, ऐसा लिप बाम है आपके पास ग्लॉसी, मेरे पास है ये बेबी लिप्स का बेबी लिप बाम और ये बहुत ग्लॉसी है और ये 8 से 9 घंटे आराम से आपके फेस पे टिक जाएगा। तो आप फेस के ऊपर, और इसका जो ये जो लिप्स जो ऊपर का ये ट्रिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, जो आराम से आपके फेस पे टिका रहेगा और आराम से अप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसे यूज़ करूँगी, ये रहा मेरा हाथ और इसमें हल्का सा बिल्कुल लाइट सा पिंकिश सा कलर है और अब आप देखिए कितना ग्लॉसी हो रहा है और कितने शाइन दे रहा है। ये इसी की शाइन है, वो वाला मैंने पोछ दिया है और ये इसकी शाइन है। एंड लुक एट द शाइन, वाओ, इट्स रियली ग्लॉसी। सी मैं आपको किसी दिन पूरा मेकअप करके भी दिखाऊंगी और फेस पे से लगाने के बाद ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे एज अ हाइलाइटर ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करूँ मैं वैसलीन। अगर आपके पास लिप ग्लॉस नहीं है, आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं वैसलीन। वैसलीन भी हम एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी सी वैसलीन लेनी है, थोड़ी सी लेनी है। गर्मियों में हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, सर्दियों में आप हल्का सा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बहुत नाम के लिए ज़रा सी लेनी है और फिर आपको उसको स्किन पर यू करके मेल्ट कर देना है जहाँ पर हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। और आप देखिए इसका ग्लॉस थोड़ा सा लाइट ग्लॉस होगा लेकिन ये बहुत टाइम तक आपके फेस पे टिका रहेगा। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो ये टिका रहेगा आपके फेस पे, तो ये 10 से 12 घंटे टिका रहेगा, ये आपका 7 से 8 घंटे टिका रहेगा और आप इसे लगाते हो 2 से 3 घंटे। लेकिन आपको कोई भी हाइलाइटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इन्हें यूज़ कर सकते हैं और अपने फेस पे हाइलाइटर आराम से यूज़ कर सकते हैं। हाइलाइटर को यूज़ कैसे करना है, हाइलाइटर क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं आपको वीडियो ज़रूर एक अलग से बना दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एवरीबडी।